सेवा स्थायीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को एक बार फिर से सरकार से आश्वासन मिला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर इन अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वासन दिया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर विभाग अपना काम कर रहा है और इनकी मांगों पर जल्द फैसला भी लिया जाएगा। वहीं अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लगातार आवाज उठाने वाले न्यूज स्टेट को अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने धन्यवाद भी किया है। न्यूज स्टेट के संवाददाता सूरज कुमार के साथ खास बातचीत में क्या कुछ इन स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। सर ने हमारी मांगों पर विचार किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि उन्होंने तबीयत खराब होने के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और हमसे वार्ता की। हाँ, हमारी जो बातें हुई आप देखें ही, एक तरफ से हमारी सकारात्मक पहल हुई, लेकिन अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री हम पे इतनी कृपा करें कि वो जितनी चीज़ें सकारात्मक रूप से कही हैं उन चीज़ों को मतलब ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए और हम जानते हैं कि वो करेंगे, तो उन्हीं को लिखित अगर दे दिया जाता तो काश हमारे अंतरकाली जो है बहुत खुशी होते। आज सर से समय मिला और उन्होंने आश्वस्त किए कि आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आपका जो मांग है जायज़ है, आप लोग अनशन तोड़िए और अपना जो भी विभाग के द्वारा जो लिखित जो प्रक्रिया है वो करते हुए आप लोग हड़ताल से वापस जाइए अपना कार्य। और हम लोग धन्यवाद देते हैं सर का कि उन्होंने हम लोग को अपना परिवार समझ के रखे हैं। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के खबर दिखाए जाने के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए तमाम जो स्वास्थ्य अनुबंध जो स्वास्थ्य कर्मी उन्हें आज बुलाए हैं अपने आवास पर, वार्तालाप हुई है, क्या कुछ बातें हुई है। हम सीधे बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से। सर आज आपने बुलाया है, एक महीने से ये सभी हड़ताल पर थे, क्या कुछ बातें हुई। देखिए, इन लोगों की कुछ कुछ समस्याएं हैं नियुक्तिकरण की, उसको लेकर हमने ECS साहब को कुछ आवश्यक इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और उन्होंने इन लोगों को बुला के कुछ बातचीत भी की है। अभी हम 20 तारीख के बाद ECS साहब, हम NHM के डायरेक्टर और ये अनुबंध कर्मियों की एक बैठक करके इनके स्थायी निदान हेतु विचार करेंगे, तदुपरांत आपको इसकी विधिवत जानकारी देंगे। अभी जिस तरह से ये सभी हड़ताल पर हैं, कई दिनों से अनशन पे हैं, तो क्या इनकी हड़ताल और अनशन खत्म हुई है आपके आश्वासन के बाद। नहीं, हमने तो इनसे निवेदन किया है और हमारे अधिकारी जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग परिवार के हिस्सा हैं और मैं इस टीम का कप्तान हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे भी दुख है, मुझे भी वेदना है कि लोग इतने दिन से अनशन पे हैं, हड़ताल पे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो त्रिपक्षीय वार्ता होगी, इस वार्ता को मद्देनजर रखते हुए सारे लोग हड़ताल से वापस आ जाएंगे। इनका बस एक ही मांग है मंत्री जी, रेगुलाइज यानी नियमितीकरण। क्या इनके नियमितीकरण को लेकर विभाग गंभीर है? नहीं गंभीर होता तो विभागीय मंत्री होने के नाते इनसे मैं वार्ता करता। विभाग गंभीर भी है, उसमें क्या हो सकते हैं, क्या उसमें रास्ते निकलेंगे, क्या व्यवधान है, वो सारी चीज़ों पर जब तक 1-to-1 हम चर्चा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक इस पर कोई स्थायी बात करना उचित नहीं होगा। इसी के लिए त्रिपक्षीय वार्ता रखी है। एक कठोर निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा, हालांकि जो इनके अनशन है वो आज इन्हें इनका अनशन को समाप्त करवा दिया जाएगा। आपके कैमरा पर्सन अमित के साथ सूरज, न्यूज स्टेट रांची।